गुड आफ्टरनून, मेरा फ्रेंड, मेरा नाम बिंग्या बादो, अरुणाचल प्रदेश कैरेज कंट्रेक्टर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। अभी मेरा अध्यक्ष जी ने बताया कि पीडीएस में कैरेज कंट्रेक्टर का क्या तकलीफ, उसका क्या समस्या है, और उसको मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट ये हम लोग को एक साल के लिए टेंडर एग्रीमेंट करता है, और टेंडर एग्रीमेंट में अभी नफ्सा का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हर 3 महीने में पैसा देने के लिए हम लोग बात किया है कि अभी हम लोग फर्स्ट 8/12/2017 को हम लोग ये किया, 19 को ये किया, मेमोरेंडम सबमिट किया मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की गवर्नमेंट को। सेकेंड जो है 2/5/2021 को हम लोग सबमिट किया, मेमोरेंडम सबमिट किया, अभी तक उसका कुछ हम लोग को पेमेंट नहीं है। फिर अभी प्रधानमंत्री जी का, मोदी का चावल को 5 महीना 3 महीना और कैरेज करने के लिए बोल रहा है, तो हमारा पास पैसा, आपने पेमेंट नहीं देगा तो हम कहाँ से लेगा। और हमारा समस्या यही कि हम FCI को पहले हम उसको ये कट के देना पड़ता है कि उसको हम RO काटना, पैसा FCI को जितना जो हमको चावल क्वांटिटी के हिसाब से हम RO काटना पड़ता है, जमा देना, पैसा जमा देना पड़ता है, तो पैर प्रेस सबसे लेता है। कभी जो FCI कंट्रेक्टर जो है, बहुत लोग यहाँ में कंफ्यूज है कि PDS वाला को भी FCI समझता है। FCI का कंट्रेक्टर क्लियर का, FCI का कंट्रेक्टर अलग है, आपका हार मुटी टू जीरो तक, और तीन सुकिया से रोयंग, तीन सुकिया से अनिनी, तीन सुकिया तेजू, तीन सुकिया करसंग, तीन सुकिया से डियोमाली, क्योंकि ये असम रीजन वाला कंटेक्ट करता है। तो यहाँ का रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश या AP रीजन वाला भी करता है। तो जिस FCI कंट्रेक्टर अगर हम लोग को दंग से चावल नहीं पहुँचा देने से, तो हमारा स्टेट का PDS का होलसेल नॉमिनी जो है कि हमारा चावल लेफ्ट हो जाता है, अनदर हम उसके लिए पैसा ढूंढना पड़ता है, किसी से ऑर्डर लेना पड़ता है, तो पब्लिक को कि हमारा जमावारी हम चावल पहुँचाना है। अगर गवर्नमेंट हमको समय पे पेमेंट नहीं देगा तो हम पब्लिक को कैसे सर्विस दे पाएगा, वो भी इस समय में। इंडियन एयरपोस्ट जो है, इंडियन एयरपोस्ट चावल नहीं गिराने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 19 जुलाई 2019 मेरा सुनने में आया है, तो उस समय से बंद हो गया, क्योंकि एयरपोर्ट को भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा देना है, लेबिलिटीज ज़्यादा हो गया, इसलिए एयरपोर्ट बंद कर दिया। अभी कहीं भी जगह में हम लोग को चावल मिलता नहीं। अब अरुणाचल प्रदेश में देखो, हमारे यहाँ में तो खेती होता नहीं है, ये तो FCI डिपेंडेंट है। अगर FCI चावल पब्लिक को अगर दंग से नहीं देगा, हमारा आम आदमी भूखा से मर जाएगा कि जमावारी किसका, गवर्नमेंट और ये PDS कैरेज कंट्रेक्टर दोनों का जमावारी है। PDS कैरेज कंट्रेक्टर जो है हमको पहुँचाना है स्टेशन तक, गोदाम तक हमको पहुँचाना है, उसके बाद पैर पर सबको देना है, ये हमारा ड्यूटी है। और स्टेट गवर्नमेंट हमको उस चावल को सफिशेंट देने के लिए कॉन्ट्रेक्टर एक साल के लिए हमको अपॉइंटमेंट किया गया है, 2 साल के लिए, तो उसमें हमको फुलफिल सर्विस देना है। तो अगर हम पैसा इधर से ये करके कलेक्शन करके धार करके ये करके हम काम करेगा, गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं देगा, तो हम पब्लिक कैसे सर्विस दे पाएगा। अगर पब्लिक को चावल नहीं मिलेगा, ढंग से चावल नहीं मिलेगा, तो बदनाम किसके, ये गवर्नमेंट की बदनाम होगा, तो गवर्नमेंट बात में किसको ही पूछेगा। अल्टरनेट कैरेज कॉन्ट्रैक्ट जिसको जो नॉमिनेट किया है, अपॉइंटमेंट किया गया है 2 साल जमावारी उसको चावल पहुँचाने का, तो गलती उस पर तैरेगा, वो गलत नहीं है ना, ये तो सरकारी का गलत है। और हम ये स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील कि जो जितना हम लोगों ने काम करके रखा है उसको आप हम लोग को पेमेंट को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बिना रुका तका से हम लोग काम कर देंगे, सफिशेंट हम लोग चावल पहुँचा देगा। अब देखिए, मैं एक उदाहरण बताते हैं, लोअर सबनसिरी से लेकर 0FS गोदाम से FCI FS गोदाम से क्लोरीन तक पहुँचता, उसमें आपका 215 किलोमीटर है, 215 किलोमीटर है, 215 किलोमीटर में हार्डली रोड अच्छा है, 35-30 किलोमीटर रोड ठीक है, ये BRO का रोड था। उसके बाद तो फिर NHDCL वाला हाईवे का काम है, तो सारा गाड़ी जाता ही नहीं उसमें, कुरंग में नाम सुनने से कोई गाड़ी जाने के लिए तैयारी नहीं है। और मार्केट में उसका रेट जो है 0 से ले जाने के लिए 55,000 लगता है। अब गवर्नमेंट जो हम लोग को पे करता है
लगभग आई थिंक 30,000 32,000 गवर्नमेंट से मिलता है हमारा बिल के अनुसार से। हम कैसा करें काम, तो उसमें भी हम तकलीफ संघर्ष करके हमने ये कर दे रहा है। और गांव-गांव अंडर अंडर में इतना दूर दूर में जहां में जो तीन दिन दो दिन पैदल जाने का जगह में, जैसे करोंग में अंडर में आपका पन्यासंग जैसे जगह में और पुलोसंग जैसे जगह में, बोदर एरिया बोदर इलाका उसे हार्डली कितना 80-90 किलोमीटर है चाइना बॉर्डर, तो उधर तो FCI डिपेंडेंट है, ना खेती होता है ना, जमाने में तो जंगल का एक ताशे खाता था, फिर आजकल गांव वाला वही ताशे खाना शुरू हो गया क्योंकि चावल नहीं मिल रहा, मजबूर है पेट भूख से बचने के लिए तो करना पड़ेगा। अभी जैसे विजयनगर में, अभी विजयनगर में देखो उधर में भी क्या हाल है, तो एयरफोर्स अगर ये मौसम में अगर स्काई वन जो अगर बेच भी देता है, एयर दर्पण भी कर देता है, कैसा करेगा ये मौसम में, कैसा करेगा ये मौसम में, तो जगह नहीं है। ये तो अरुणाचल एक ऐसा है कि आपका मेघालय से चेरापुंजी से भी ये ज़्यादा बारिश होता है, काम होने नहीं देता है। तो हमारा यही समस्या है कि गवर्नमेंट हमारा बात को, हमारा मेमोरिदम को नज़रअंदाज नहीं करके कि हमको ये पेमेंट रिलीज करने से ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा भारत सरकार का जो केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का मोटो यही कि किसी को भूखा नहीं रहना है और सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का एजेंडा है, मोदी जी का मोडा है, ये स्लोगन है और उसको प्रदेश सरकार ध्यान रखते हुए ये सब कंट्रेक्टर का तकलीफ को समझने से ठीक रहेगा। इसलिए ठीक रहेगा कि आगे भी हम लोग ये चीज़ को एक साथ मिल के पब्लिक को सफिशेंट गवर्नमेंट और PDS कंट्रेक्टर मिल के रात 12 बजे हो 2 बजे हो कुछ भी करके तत्काल एनी आओ कुछ भी करके हम लोग जॉइनली फाइट करके पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट से हम विश्वास है और हम लोग कैरेज कंट्रेक्टर जितना जो PDS नॉमिनी है, होलसेल नॉमिनी है, उसको भी आपको विश्वास का साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि उसमें किसी भी तरफ से एक अगर चूक जाने से, गवर्नमेंट पेमेंट रिलीज नहीं करने से पब्लिक चावल देने में बहुत मतलब दिक्कत होगा, क्योंकि पब्लिक को सफिशेंट चावल नहीं पहुँचेगा। बाद में पब्लिक बोलेगा कि हम लोग PDS वाला चावल बिक्री करके कह दिया, हमें कहाँ चावल बिक्री करने का कहाँ मौका मिलता, आजकल कहाँ चावल बिक्री करेगा, किसने लेगा, किस किस कोटा को लेगा, पहले जैसे नहीं है। तो हर महीने में उसका कोटा आ जाता है कि रोशन कार्ड बेस पे उसको रोशन अलॉट किया जाता है, ये ऐसा मतलब कभी कभी कंट्रेक्टर काम करने के ऊपर में भी ऐसा एलिगेशन डाल देता है कि हमारा आम जनता के चावल को बिक्री करके कहा दिया, ये कहा दिया, वो कहा दिया, ये भी गलत बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो नहीं करता है उसको देखने में ऐसा ही लगेगा। जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल में काम करना है उसको पता है कि तकलीफ उसमें कितना कठिनाई, कितना परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, कितना तकलीफ की दौर से गुजरना पड़ता है, वो काम करने वाला को पता है। और अब देखिए करोंग कुमे में हाईवे बहुत ख़राब है, क्योंकि PDS कैरेज कंट्रेक्टर को नो होलसेल नॉमिनी को नहीं बोल सकता कि समय पे आप चावल पहुँचाया नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि FCI लास्ट में जो कंटोरीबा DC करोंग कुमे जब था, उन्होंने बहुत काफ़ी कोशिश किया है कि FCI को उधर बुला के मीटिंग उटिंग करवाया, सिविल सप्लाई का एक गोदाम है उसमें लगभग 2500 मेट्रिक टन जा सकता है, तो 2500 मेट्रिक टन उसमें जा सकता है एनी टाइम, मतलब जो 5000 बैग्स स्टॉकेज रख सकता है, तो उसको भी FCI को फ्री एंड दिया है कि आप हम लोग को कुछ ये नहीं चाहिए, आपसे रेंट नहीं चाहिए, आप उसको हमारा डिपार्टमेंट का गोदाम को आप चला लीजिए, तो FCI को काफ़ी बोला है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है करोंग कुमे जैसे जगह में इमरजेंसी सेटअप करने के लिए FCI को स्टेट गवर्नमेंट उसको कदम उठाना चाहिए। मेरा स्टेट अरुणाचल प्रदेश कैरेज PDS कैरेज कंट्रेक्टर एसोसिएशन की तरफ से हम ये गवर्नमेंट को यही अपील कर रहा हूँ कि यहाँ करोंग कुमे जैसे जगह में बॉर्डर इलाका में ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि ये कभी भी समय पर पैरामिलिट्री मूवमेंट कर सकता है। अगर पैरामिलिट्री मूवमेंट करेगा, चावल उसमें बफर स्टॉक नहीं होगा, कहाँ से लेगा, गांव वाले क्या कहेगा, और कभी भी समय पर मिलिट्री मूवमेंट होने से ज़रूरी होगा कि ये एक
सेंसिटिव स्टेट है, चाइना वाला पंगाबाजी बोलते रहता है, पंगाबाजी बात करते रहता है, इसीलिए रोड प्रो रखना और FCI का ये चावल बफर स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मतलब जो ज़रूरी चीज़ है, क्यों उसको लाइटली स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं लेना है। और जहाँ में अभी आपका हर जगह में ये है FCI गोदाम है, क्यों कुरंगो में कहाँ है, नहीं है। तो इतना साल से क्या कोलोरिंग रास्ता ठीक नहीं, कुरंगो में दूर है, क्या FCI उधर गोदाम सेटअप नहीं करना है, स्टाफ कमी है, हमारा स्टाफ कम है, उधर नहीं रह सके, क्या उसको सेटअप नहीं करना है, करना है। तो FCI का ड्यूटी बनता है कि पब्लिक को सर्विस देना। ये तो FCI का यही खासियत के एशिया कंटिनेंट में उसका यही खासियत कि ग्रीफ को चावल सफिशेंट दे सकता है, खाना खिला सकता है। ये तो FCI का पर्ज बनता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको थोड़ा पर्स प्रायोरिटी रख के FCI गोदाम होना बहुत। तो अगर ये होगा तो हमारा ये सब 3 महीना 4 महीना बैकलॉग वाला सब समस्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि FCI कंट्रेक्टर यहाँ एक्स रेलवे शायद दिन हारमुटी से FSD बंडरडुआ से हमको क्रोंग में हमको डाले उसमें चावल मिल जाएगा, तो हमारा PDS कैरेज कंट्रेक्टर कोई टेंशन, नॉमिनी होलसेल नॉमिनी का कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ से स्थान में आप देख लीजिए, तेजू में गोदाम है, FSD 300 किया से FSD तेजू तक पहुँचा देता है, FCI का कैरेज कंट्रेक्टर है, तो तेजू वाला का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये में अंजो में कुपा में है, कुपा में उधर पहुँचा देता है, अनिनी में पहुँचा देता है, रोयंग में गोदाम है और करसंग में गोदाम है, दियोमाली में गोदाम है, वो स्थान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से बोले तो आपका पासीघाट में गोदाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं संभात अजीब मसन, ऑल अरुणाचल प्रदेश का PDS का कैरेज कंट्रेक्टर एसोसिएशन का मैं प्रसिद्ध हूँ, और हमारा राज्य में हमारा GS मिर्जाबाद। तो आप आज हम आपका मीडिया का थ्रो से हमारा जो PDS कैरेज कंट्रेक्टर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है, वो गर्भिण से इसको हम आप लोग का मैडम से हम बताने चाह रहा हूँ। ऐसे है तो हम एज ए क्रोंग में PDS होलसेल नॉमिनी कंट्रेक्टर, हम 2020 अप्रैल से हम एग्रीमेंट वोमेन से एग्रीमेंट किया था DC का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ। इसी का वक्त चलते हम काम पूरा ये किया है, इसके बाद उसमें हम लोग का एग्रीमेंट था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, नॉर्मल चावल का एग्रीमेंट था हम लोग का लिखा लिखी है वोमेन का साथ। तो इस बीच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आना योजना एक चावल वो भी आ गया, फ्री गरीब को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो 8 मंथ का पूरा चावल को हम लोग गरीब कल्याण का चावल को भूखा है, उसमें चना भी था दाल भी था, तो उसका बिल भी बिल्कुल अभी तक हम लोग लाल पैसा भी मिला ही नहीं। इसके बाद लास्ट ईयर का 2019-20 का भी टेंडिंग है अभी तक, तो उसको लेके स्टेट गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर को एक बार हम रिप्रेजेंटेशन दिया था मार्च में, 5 तारीख मार्च में एक CM को हम रिप्रेजेंटेशन दिया था मेमोरेंडम, उसको 19-20 का भी जल्दी रिलीज करो। हम लोग जो 8 मंथ का जो काम किया उसको, फ्री चावल का जो काम किया उसको भी रिलीज करो बोलते हैं। तो सेकेंड में हम लोग मई 5 तारीख को ऑनरेबल मिनिस्टर फूड एंड सिविल सप्लाई को भी एक मेमोरेंडम दिया था, कॉपी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी पूरा को हम लोग कॉपी दिया था। तो ऐसे करके उसका भी कोई भी जवाब नहीं है गवर्नमेंट तरफ से। तो इसके बाद अभी लास्ट में हम लोग चूदो को PPS के थ्रू से हम लोग CM को अपॉइंटमेंट मांगा था, अपॉइंटमेंट भी हमको अभी तक मिला ही नहीं। तो आज हम जाके CM का ऑफिस PPS को रिप्रेजेंटेशन को हम आज सबमिट किया है, ये 3 रिप्रेजेंटेशन अभी हम सबमिट कर चुका है तो गवर्नमेंट को, ये हम लोग को गर्भिण से इसको लेके ना। तो अभी भी गवर्नमेंट और लेते हम स्टेट गवर्नमेंट को ही अपील कर रहे हैं, देखिए अपना नेशनल लॉकडाउन हो गया, आप लोग का फ्री चावल डिस्ट्रीब्यूशन 8 मंथ का हम लोग को है, उस दिन आपका मई और जून का और दो मंथ का और अनाउंस किया, इसी का भी डायरेक्ट तौर का रिक्वेस्ट वजह से हम लोग उसको लिफ्ट किया, नहीं तो हम लोग लिफ्ट ही नहीं करना था। तो हम लोग उसको बाइकआउट करने के लिए डिसीजन ले चुका था एंटायर अरुणाचल का PDS कॉन्ट्रेक्टर लोग मीटिंग करके, तो डायरेक्ट तौर रिक्वेस्ट किया इसे आप लोग माफ कीजिए, हम गवर्नमेंट लेवल से आप लोग का ट्रेनिंग के लिए प्रस्तुत कर देगा, काइंडली इसको आप लोग जैसे भी करके लिफ्ट कीजिए बोल के हम 2 मंथ का अभी लिफ्ट करके और भी धमाधम फूक रहा है।
तो अभी आपका प्राइम मिनिस्टर ने और फाइव मंथ का और अनाउंस किया है ये गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आना योजना का। तो अभी हम लोग बिना पैसा पेमेंट होके हम लोग कितना अपना कैपिटल दार बच्चे करके करते रहेगा। पेमेंट तो देना चाहिए, आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बोलता है थ्री मंथ में पेमेंट देना चाहिए। तो गाइडलाइन में भी क्लियर कट इसे लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो आगे पेमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से री इम्बर्समेंट करना चाहिए। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट जो तान आपे नहीं है, इसलिए हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल DCM को ऑन बिहाफ ऑफ PDS होलसेल नॉमिनी इंटर और स्टेट का ऑन बिहाफ से मैं अपील कर रहा हूँ, जैसे भी जितना पेंडिंग बिल को 2019-20 और 2021 का वो बिल को जल्दी पेमेंट रिलीज कर देने से, ठीक है हम लोग का प्रॉब्लम तो हुई है। तो अभी जितना कहा में क्या क्या हो रहा है डिटेल क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमारा GSA बिंजाबाद ही बताएगा डिटेल को। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.